Hello everyone, welcome back to my time to cooking with Vajia. And today recipe is dal kebab. और ये बहुत मजे के होते हैं, आप लोग भी घर पे बनाकर जरूर ट्राई करेगा। सबसे हम पहले बनाएंगे बंस। इसके लिए हमने 3 कप मैदा लिए, फिर हम लेंगे 1 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी, फिर हम लेंगे 1 टेबलस्पून ईट्स खमीर और 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक। फिर हम पानी से हम इसको गून लेंगे। सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। डो मेकर से आटा गूंद रहे हैं, चाकू से भी गूंद सकते हैं। लोगों को पता है मेरी तामी इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। करने के बाद एक बाउल में ऑयल ग्रीस कर देंगे, उसके अंदर अपनी डो को रख देंगे। पहले हाथों में ऑयल लगा लें, पेड़ा बना लेंगे और पेड़े पे भी ऑयल ग्रीस कर देंगे और इसे किलिंग रैक से कवर कर देंगे। 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। दो घंटे बाद हमारा आटा राइस हो चुका है, हाथों से ग्रीस करके पंच कर देंगे। हम पैन ले लेंगे, उसके ऑयल से ग्रीस कर देंगे। पेड़ा बना बना के उस पैन में रखते जाएंगे। देखिए हमने सारे पेड़ बना लिए। अब इसे दोबारा 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। घंटे बाद हमारे बन कितने अच्छे राइस हो गए, बहुत टाइम में कितने अच्छे राइस हो रहे हैं। अपने बन को अंडे से ब्रश कर देंगे। आधे घंटे के लिए हम ओवन में बेक कर देंगे। देखिए हमारे बन बेक हो चुके हैं और ये कितने मजे लग रहे हैं। ये हम बटर से ब्रश कर देंगे। इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख दें ताकि सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के बाद अरे बन कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, आप इसकी सॉफ्टनेस देखें, इतनी जबरदस्त लग रहे हैं ना बाजार जैसे बंस। अब हम बनाएंगे इसके कबाब। हमने इसके लिए 1 पाउच चने की दाल ली है, फिर हम डालेंगे 10 लाल साबुत मिर्च। ये दाल 1 घंटे में भिगी हुई है। अंदर डालेंगे 3 कप पानी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक, दाल चीनी की स्टिक डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, नीम का फूल डालेंगे, डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज मोटी मोटी काट के डाल देंगे। आधे घंटे के लिए दाल को गला लेंगे। गलाने के बाद हम डालेंगे 10 हरी मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे और जो सारा गरम मसाला डाल दो उसको निकाल देंगे। अब हम अपनी दाल चॉपर में डाल देंगे। हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून रोस्टेड धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया और पुदीना काट के रखा था डाल देंगे और इसे चॉपर में डाल के पीस लेंगे। देखिए अपने दाल पीस लिए और इसे हम छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। कबाब बनाने से पहले अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इससे आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ऐसे ही करके हम बहुत सारे कबाब बना लेंगे। और देखिए हम सारे कबाब बना के रेडी कर लिए। अब हम इसकी कोटिंग बनाएंगे। इन अंडों को एक बॉल में ले लिया, 1 पिंच ऑफ फूड कलर भी डालकर अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे हीटर की मदद से। देखिए हमने अंडा बीट कर लिया, इसके अंदर हम कबाब डाल के कोट करके फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे कबाबों के साथ करेंगे, गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे और इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे बन कबाब। अब हमने बन को बीच में काट लिया और इसे तवे पे सेक लेंगे बटर लगाकर। सेकने के बाद साइड पे हरी चटनी लगाएंगे और दूसरी साइड पे केचप। अब हम अपना कबाब रख देंगे। हमने बन गोभी वाली भाजी बनाई थी उसके ऊपर हम डालेंगे
हमारे बन को आप रेडी, दोबारा से तवे पे सेक लेंगे। हम अपने सारे बन कबाब बना लेंगे। मैं अपने बन कबाब को डिश आउट कर दिए और कितने मजे के लग रहे हैं। मेरी ऐसा आपको 26 बार 2000 मुबारक हो। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी टाइमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज। شهرًا